कैसे एक आदमी के गुस्से की वजह से चिप्स का इन्वेंशन हुआ और कैसे एक बच्चे के भूलने की वजह से पहली बार आइसक्रीम बनी थी और क्या मैगी पहली बार रबर से बनाई गई थी, जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ऐसे ही कुछ और इन्वेंशन के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। नंबर वन, स्टिक आइसक्रीम। ये स्टिक आइसक्रीम एक बच्चे के भूलने की वजह से बनी थी। एक बार एक बच्चे ने पानी और सोडा को एक चम्मच से मिक्स किया और उसे पीना ही भूल गया और वो ऐसे ही रात भर पड़ी रही और तब बहुत ही ज्यादा ठंडी थी जिसकी वजह से वो जम गई थी। और जब उसने ये कमाल का इन्वेंशन सबको बताया तो एक व्यक्ति को आइडिया आया, क्यों ना इस पर फ्लेवर ऐड करके इसे मार्केट में बेचा जाए। और फिर क्या बन गई आइसक्रीम और आज इसे सभी लोग पसंद करते हैं। नंबर टू, फ्रिस्बी। आपने ये गेम तो देखा ही होगा, लेकिन पहले ये खाना डालने के लिए एक प्लेट हुआ करती थी। विलियम फ्रिस्बी नाम का एक शख्स था, वो केक बेचता था और इसे बेचने के लिए वो एक प्लेट का इस्तेमाल करता था। पर एक बार कुछ बच्चे उस केक को खाने आए और खाने के बाद वो उस प्लेट से खेलने लगे और उन्हें खेलने में इतना मजा आया कि वो रोजाना बस उस प्लेट की वजह से यहाँ पर केक खाने आते थे और इस गेम को खेलते थे। तब से वो रोजाना वहाँ पर इस गेम को खेलने के लिए आए थे, तभी किसी बच्चे ने उस गेम का नाम फ्रिस्बी ही रख दिया था। नंबर थ्री, टी बैग। 1930 में थॉम सुलिवान नाम का एक शख्स था जो कि चाय को बेचता था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो टी बैग को बड़े बड़े बॉक्सेस में बेच सके और अच्छी पैकेजिंग कर सके। और वो अपनी चाय की क्वालिटी भी अच्छी देना चाहता था, इसीलिए अपने पैसे बचाने के लिए अपनी चाय को ऐसे बेचा छोटे छोटे पैकेज में। तब से उसने अपनी चाय को ऐसे ही बेचना शुरू कर दिया था, लेकिन लोगों को लगा ये अच्छे से मिक्स करने के लिए है, पर थॉम्स ने तो इसे पैसे बचाने के लिए किया था। नंबर फोर, पोटेटो चिप्स। पोटेटो चिप्स का इन्वेंशन एक रेस्टोरेंट में हुआ था। दरअसल एक कस्टमर ने फ्राइज मंगाए थे, लेकिन फिर उसने कंप्लेंट की थी कि फ्राइज बहुत ही ज्यादा मोटे हैं और कच्चे भी हैं और कहा कि शेफ अनएक्सपीरियंस्ड है। फिर जो शेफ था उसे ये बात दिल पे ले ली और फिर उसने एकदम पतले पतले आलू काटे और उन्हें डीप फ्राई किया और उस पर नमक डाल दिया और ऐसे इन्वेंशन हुआ चिप्स का और ये टेस्ट कस्टमर को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। आपका भी चिप्स पसंदीदा है तो कमेंट में जरूर बताना दोस्तों में। नंबर फाइव, पिलो। पहले पिलो के नाम पर लोग पत्थर पर सोते थे क्योंकि वो पत्थर से बनाए जाते थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि पहले पिलो कंफर्ट के लिए नहीं होता था, वो असल में कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए होता था। अगर कोई इसे पिलो के बगैर सो जाता था तो कीड़े उसके कान में घुस जाते थे। लेकिन माना जाता है कि किसी राजा के नौकर ने गलती से कपड़े पिलो पर रख दिए और राजा जब रात को उस पर सोने गए थे तो उन्हें बहुत ही ज्यादा आराम से नींद आई थी क्योंकि पिलो पर कपड़े थे और वो सॉफ्ट भी हो गया था, तभी से सॉफ्ट पिलो बने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को भी लाइक कर दीजिए।